हम वोट क्यों दें? वोट देने से क्या मिलेगा? मैंने आज तक वोट नहीं दिया। हमारे परेशानियां हमको बहुत है, अब वोट डालने के लिए कौन जाएगा? कौन 2 घंटे लाइन में ठहर कर वोट देगा? वोटिंग के दिन तो छुट्टी होती है, घर में बच्चों के साथ रहेंगे। हम वोट नहीं दिए तो इलेक्शन नहीं होता क्या? क्या फायदा वोट देने का? वोटिंग के दिन तो घर वालों के साथ पिकनिक का प्लान है। मेरे से वोट देना नहीं होता भाई। मैं एक वोट नहीं दूंगा तो क्या होगा? अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही कहते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हो तो बहुत बड़ी गलती पर हो। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका घर, आपकी गली का रास्ता, इन सब का ताल्लुक आपके वोट से है। क्योंकि जिस सड़क पर आप चलते हैं, जो पानी आपके घर तक पहुंचता है, जो लाइट आपके घर को और आपके रास्तों को रोशन करती है, ये सब आपके वोट देने की वजह से ही मुमकिन है। जिंदगी की उलझनों में कभी आपने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि जिस गली में आपका मकान है वो गली आपके हलके की है, और जो गली आपके हलके की है वो हलका आपके शहर का है, वो शहर आपकी रियासत में है, और जो आपकी रियासत है वो इस मुल्क का हिस्सा है, और ये मुल्क आपकी पहचान है। जिस तरह जिंदगी में वक्त की अहमियत है, उसी तरह इलेक्शन में आपके वोट की भी अहमियत है। ये मत सोचो कि आपके वोट ना देने से किसी का क्या नुकसान होगा, बल्कि ये सोचो कि आपके वोट देने से पूरी सोसाइटी का फायदा होगा। इसके बावजूद भी अगर आप वोट नहीं देते तो आप अपने मुखालिफिन को आगे आने का मौका देते हो। वोट किसको देना है ये सवाल दूसरा है, लेकिन वोट देना जरूरी है। ये आपकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि वोट देने का मतलब सिर्फ वोटिंग मशीन पर बटन दबाना नहीं, बल्कि वोट देकर आप ये साबित करते हैं कि आने वाले 5 सालों में आप कितनी तरक्की चाहते हैं। वोट देने की आपको हर तरह की सहूलत मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको लाइन में ठहर कर थोड़ी बहुत तकलीफ या परेशानी होती है तो उसे बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि चंद लम्हों की परेशानी आपके इत्तेहाद के सामने कोई माने नहीं रखती। और जमहूरियत में सिर्फ एक वोट की ही ताकत है जो आपको एक जिंदा कौम बना सकती है। अपने हलके के वोटिंग परसेंटेज में इजाफा कीजिए, इसलिए वोट देने में लापरवाही मत कीजिए। और आज तक अगर आपने कभी वोट नहीं दिया है तो अपनी सोच को बदलिए और वोट देने के लिए जरूर जाइए। वोट देने के लिए जरूर जाइए। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।